मैजिक रिंग लेने के बाद वन टू थ्री थ्री चेन लेके 12 डबल क्रोशिया, टोटल थ्री चेन को भी डबल क्रोशिया पे काउंट करेंगे, टोटल 12 डबल क्रोशिया रिंग के अंदर बनाने हैं। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अपने वर्क को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। और अब ये जो फर्स्ट थ्री चेन ली थी, फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करनी है, स्लिप स्टिच करने के बाद फिर थ्री वन टू थ्री थ्री चेन लेके हम सेम स्टिच में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी टू डबल क्रोशिया। फर्स्ट रो में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब सेकेंड रो में 24 डबल क्रोशिया बना के रेडी करने हैं। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। रेडी हुए, अभी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करनी है। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन वन टू थ्री थ्री चेन लेके नेक्स्ट में टू डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें टोटल 36 डबल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। वन नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में टू डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में वन, नेक्स्ट में टू। थ्री राउंड को इस तरीके से कंप्लीट करना है। वन में वन और सेकंड में टू डबल क्रोशिया, इस तरीके से राउंड थ्री कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड चेन में स्टिच करना है। अब फोर्थ राउंड में सिंपली हर स्टिच पे वन वन डबल क्रोशिया बनाना है। 36 डबल क्रोशिया के ऊपर 36 डबल क्रोशिया बनेंगे। सिंपली इसको इस तरीके से बना के राउंड को कंप्लीट करना है। सिंपली इस तरीके से ये देखें, ये बॉल बन के रेडी हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी रूल को बढ़ा के यहाँ पे कट करेंगे और ये इस तरीके से एक और ये दो रेडी करने हैं। अब इसको यहाँ पे हमने नीडल की मदद से स्टिच कर लेना है।
रोल बन के कम्प्लीट हो गया। आपको मेरा आज की डिज़ाइन अच्छा लगा, पैटर्न अच्छा लगा तो मेरे साथ जरूर है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जा सकते हैं।